सुनने में आया है कि भाई तू मैं हो गई करण जौहर की टीम के साथ, धर्मा प्रोडक्शन के साथ, कि साला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए अब सनी देओल की भी बैक टू बैक 2-3 फिल्में आएंगी, इनके बच्चे की भी फिल्में आएंगी, एंड सनी देओल नोज दिस थिंग। देखिए 1979 में एक मूवी आई थी मौला जट्ट, और उसी का अडेप्टेशन करके अभी 13 अक्टूबर 2022 को एक और मूवी आ गई, द लेजेंड ऑफ मौला जट्ट। पाकिस्तान में बहुत अच्छा बिजनेस किया है मूवी ने, 50 करोड़ में मूवी बनी थी, 250 करोड़ करीब कमा चुकी है। एंड नाउ समहाउ करण जौहर वांट्स कि भाई इस मूवी को हिंदी में भी रिलीज होना चाहिए, एंड वो चाहते हैं कि धर्मा भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन करे और पैसा कमा ले। अब देखिए सीधी सी बात है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो वहाँ पर रिलीज नहीं होती, बहुत सारी ऐसी फिल्में जो वहाँ की, यहाँ पे तो कुछ भी रिलीज होता ही नहीं पाकिस्तान का, वही लोग हमसे एंटरटेनमेंट ले रहे, भाई हम उनसे कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं ले रहे। लेकिन अब करण जौहर सोच रहे हैं कि भाई इस मूवी को यहाँ पर हिंदी में रिलीज करके थोड़ा सा बनाया जाए पाकिस्तान का भी, और ऊपर से मूवी में फवाद खान है तो यू नो करण जौहर तो प्रोड्यूस करेंगे ही भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही भाई साहब। अब यहाँ पर इस गेम में आते हैं सनी देओल। अब देखिए सनी देओल के साथ क्या हुआ, इनकी बहुत सारी मूवी पाकिस्तान में रिलीज हुई, बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी ही मूवी इनकी पाकिस्तान में रिलीज नहीं होंगी, क्योंकि वो लोग इनसे चढ़ते हैं और द रीजन यू नो हेडपम्प। और भाई इसी चीज को लेकर सनी देओल, शायद सुनने में आया है कि भाई तू मैं हो गई करण जौहर की टीम के साथ, धर्मा प्रोडक्शन के साथ, कि साला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए अब सनी देओल की भी बैक टू बैक 2-3 फिल्में आएंगी, इनके बच्चे की भी फिल्में आएंगी, एंड सनी देओल नोज दिस थिंग। बॉलीवुड पहले से ही भाई बहुत नीचे चल रहा है, अगर करण जौहर ऐसा करते हैं तो पब्लिक बिल्कुल खिलाफ हो जाने वाली है उनके, मतलब कि कोई मौका नहीं मिलेगा उनको सर्वाइव करने का, और बॉलीवुड का बंटाधार हो जाएगा। एंड सनी देओल ये नहीं चाहते, क्योंकि भाई बॉलीवुड के खिलाफ गए तो उन लोगों के भी खिलाफ गए, जब कतई बॉलीवुड के बायकॉट पे आ जाएगी जनता फिर कुछ भी नहीं देखने वाली। जिस चीज़ को सुनने में आया कि भाई सनी देओल चाहते हैं कि यार ये मौला जट्ट हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट ना करे किसी भी तरीके से, ये पाकिस्तानी फिल्म यहाँ पे ना आए, नहीं तो भाई साहब लग जाने वाले हैं बहुत बुरे से। पर जनता आप अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, आपको क्या लगता है, अगर ये रिलीज होती है तो क्या ऐसा गुस्सा वुस्सा हो ही जनता, पाकिस्तान मूवी क्यों रिलीज कर दी, हम क्यों साला उनको अपना पैसा उनके ऊपर खर्च करें, इससे बड़ी अपनी कोई पंजाबी फिल्म देख ले। बाय द वे मौला जट्ट इज इन पंजाबी, लेकिन करण जौहर इसको हिंदी में रिलीज कर देंगे 30 जनवरी से पहले। आपकी जो भी हैं धारणा इस चीज़ को लेकर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमें बता दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।